यार ब्रो आप गया गधेगी ये रैप बैटल है ब्रो रैप बैटल यहाँ पे आप नहीं आपके मैं फादर साहब लग रहा हूँ इन लोगों को देखो ये फोटो खिंचा रहे हैं चाय के साथ चाय का कप है खाली लेकिन क्या हुआ 10 बार करंट पड़ गया तो सुबह से मंकू भाई ऐसी हरकतें ना तुम्हारी पता है लोगों को भाई करंट पड़ रहा है तुमने जिस तरीके से तुमने लड़कों की तरह नहीं किया यार चलो अब बैठो 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 चलो थोड़ा अंदर चलो एक मिनट अंदर चलो कहाँ अंदर चलो चलो क्या करना है फोटो आई है मेरी और मंकू आई है देखिए हाँ मस्त आई है भाई कर दो फिर करना क्या है बताओ एक वीडियो इनकी ऐसी बना दो चलो अंदर चलो थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ मैं भाई चाय तो ले लो इसमें मनाने के लिए भाई सब भाई ऐसा चाय खाना है भाई ऐसा कुत्ते का बच्चा भाई बहुत टोपा आदमी है पता है भाई जी तेरे टोपे बन गए भाई जैसा भी है लेकिन मैं भी भाई साहब भाई नहीं 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 भाई कसम से बता रहा हूँ लाड़ से बुरी होती है बाल और बुरे कसम भाई इतने अच्छे आदमी है भाई हंसने का मन भी नहीं फिर भी हंस गया भाई भाई हंसना चाहिए हमें मैं बहुत ज्यादा टोपा भाई मेरा मुंह हेलमेट जैसा है क्या हो गया भाई गाड़ी की चाबी भी गाड़ी की चाबी अरे भाई 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 गायब हो गई एप्पल वॉच थी ना हाँ। गाड़ी की चाबी मिल गई गाड़ी की चाबी मिल गई हाँ। वॉच नहीं मिल रही वॉच ढूंढ रहा मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दे यार वॉच ढूंढ सच में नहीं पता क्या क्या वॉच नहीं पता भाई कहाँ गई किसी ने बैग में तो देखो ना ऑनलाइन देखो ना वो फोन में तो देख सकते है ना कनेक्ट करके हाँ तो आवाज बजेगी उसमें देखो एक बार यार गड़बड़ होगी भाई हाँ यार भाई सही में ब्लॉग बना रहा हूँ अलग बात है भाई बनाना ही पड़ेगा ना ऐसे मूवमेंट तो कैप्चर करने चाहिए जान जाए जा, लेकिन वचन ना जाए दिख रहा है कहाँ गई वॉच पता तो चली जाएगा अभी 2 मिनट लगेगा कैमरे तो होंगे ही ना अरे कैम वो एप्पल वॉच का पता ही चल जाएगा कहाँ पे थोड़ी होंगे कैमरे कमरे में नहीं वो उसे को डायरेक्शन मिल जाती है शायद है कितनी दूर गई देखना क्या हुआ दिख नहीं रहेगा तुम्हें दिखाओ ना एक मिनट सेटिंग्स में दिखेगा शायद फाइंड माय डिवाइस करो ना वेयर इज माय वॉच वॉच का नहीं मिल रहा अच्छा इसमें दिस डिवाइस एप्पल वॉच ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा ना एक तरीका होगा या फिर वॉच का दिखाओ ना एक मिनट फोन दिखाओ ना बहन चोद YouTube पे देखना पड़ेगा कैसे बंद करते हैं YouTube पे हाँ एक बार YouTube पे सर्च करना कि कैसे मतलब क्या करते हैं बैटरी कम है यार देख क्या इसी फोन में देखना मैं भाई पक्का अभी नहीं लिया ना मेरे पास नहीं यार मैं सोच रहा था वॉच कहाँ चली गई और अभी मैं देख रहा था तुम्हें याद रहता है कि नहीं रहता याद रहा है रहा ना मेरे को याद रहता है मेरे को पता है मैं यहाँ याद कैसे नहीं रहेगा वही मैं यही देख रहा था याद रहता है कि नहीं पता क्या लगा होटल के स्टाफ आए थे ना चेकआउट के लिए भाई मैं तो कैमरे चलवा था सारे और जूते अलग से मारता है ना बोलो चलो गुरुजी कल जो सिगरेट फेंकी थी वो ढूंढने जा रहे जो सिगरेट फेंकी थी वो ढूंढ रहे कहाँ फेंकी भूल जाऊंगा बड़े हो छोटे हो अब वो कह रहा है कि उसने तो शपथ खा रखी है मंकू भाई की कसम खाई है तो पी नहीं सकता है अब ये कह रहा मैं मतलब तुम मैं कह रहा हूं कि तो मैं दिखाऊंगा हाथ में लेके ये देखो अब ढूंढते हैं चलो सही कह रहा हूं भाई कितनी दूर फेंकी थी कौन सा था हमारा यही अरे वो तो कुछ और ही दिखा दिया था मैंने यार ये तो छोटी है कोई देखी उठा उठा यही तो है मिल गई गुरुजी दिखा गुरुजी को किल्स नहीं किल्स गुरुजी गुरुजी देख चल तेरे तोर ने नहीं भी गुरुजी
भाई बेचारे यार। गूगल पे डाल के क्या है ये, सही से पकड़ ले, कोई दिक्कत थोड़ी है, सही से देख ले। यहाँ पे लगी है एक चोट, एक यहाँ पे, यहाँ वाली तो दिख रही है, यहाँ वाली दिख नहीं रही है, यहाँ पे है ना कट लगा हुआ है लंबा। रुक गया खून तो, रुक गया है, अब हैंड वॉश कर लो। अरे थैंक यू वाली कोई बात नहीं भाई साहब, हाथ धो लो भैया, पानी दो, पानी दो भाई साहब, पानी पी लो थोड़ा सा। कहियो मैं, पता मैं उस टाइम मैंने सोचा कि उनको लगा मैं मजाक कर रहा था, वो आए वो ऐसे सिर पे हाथ रखा हुआ उन्होंने, मुझे लगा कि यार, मुझे लगा कि मैंने मजाक वो ना सर फट गया लगता है, और मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि उधर देख रहे हैं, उनका वो सही में ही सर फटा हुआ था। कोई नहीं, अब तो चलो ठीक हो जाएंगे, दर्द तो नहीं हो रहा है। पता क्या है, जो होता है ना जिंदगी में अच्छे के लिए होता है, ठीक है, सब कुछ। अभी पता है पीछे एक पेट्रोल पंप था, हम वहां जा रहे थे, वहां पे सीआरपीएफ के जवान खड़े थे, बोल रहे आगे जाओ, अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे ये अकेले बंदे का सर फट गया, दो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे चोट लगी है, और उस बंदे का क्या है कि कोई है नहीं आसपास, कोई भी नहीं, और हम ही पहुंचे टाइम पे, देख रहे हो, मतलब ये टाइमिंग जो होता है ना, मतलब सही होता है, हमें वहाँ पे नहीं मिला, मतलब डीजल नहीं मिला, यहाँ पे मिला, वो बंदा अकेला था बेचारा, उसके कीले घुस गए जाके यहाँ पे वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे ब्लड उसका रुक गया, ठीक है, नहीं तो पहले तो क्या हुआ कि मैं सोच रहा, हम गाड़ी में बैठे हुए हम हंसी मजाक कर रहे थे, मैं उसने ऐसे कर रखा था, मैंने कहा लगता सर फट गया इसका है, और दो तीन बार बात सर फटने की बातें ही कर रहे थे, हम सर फटने की बातें ही कर रहे थे, सर फट गया, हाँ हाँ मंकू भाई के सर फट गया था, अभी थोड़ी देर पहले हम बातें करते हुए आ रहे थे कि दीदी से लड़ाई हुई सर फट गया, और मैंने कहा देखा इसका भी फट गया ऐसे करके है, और वो सच में उसका सर फटा, जब मैंने देखा कि हाँ सही में फटा है, तब हम उतरे, तब उसको डिटॉल उसका मतलब लगाया, उसका ब्लड रोका यहाँ से, बहुत ज्यादा मतलब हो रहा था वो, तो मेरे को तो लग रहा है वो स्टार्टिंग में वो काफी ज्यादा डरा हुआ था स्टार्टिंग में, जब मैंने उसको बताया ना कि ब्लड रुक गया है, तब वो थोड़ा उसको शांति मिली। चलो अभी यहाँ से सीधा चलते हैं घर की तरफ, ठीक है, अब घर पे जाएंगे, आंटी जी भी हमारा वेट कर रही होंगी काफी देर से, उन्होंने राजमा चावल बनाया, खाएंगे जाके मस्त लपेट के, आंटी जो खाना बनाती है ना, ओए होए क्या मजा। अब ये तो जाने का नहीं है, ये कुछ उनके फर्स्ट एड में कुछ था जो लगाना था, और ये मेरे हाथों पे लग गया है, अब ये फर्स्ट एड में एक और चीज थी। ओ हाँ गाइस गाइस, मैं तुम्हें एक फनी चीज बताऊं, सबसे बढ़िया चीज तो क्या कि मैं जो फर्स्ट एड में से वो निकाल रहा था ना, उनके फर्स्ट एड में से भाई, उसमें कोंडम रखा हुआ फर्स्ट एड में, मैंने भाई ये कैसे इमरजेंसी में पड़ सकता है भाई, मेरे को इतनी जोर उस टाइम में हंसने का मन था, लेकिन यार सिचुएशन ऐसी थी कि मैं वहां पे हंस नहीं सकता था, मैंने कॉन्डम रखा, ड्यूरेक्स मैंने दिखा, मैंने ड्यूरेक्स, मैं भाई मैंने यार खतरनाक आदमी, रे ले ये लोग तो, मैंने चार बार चेक करा, मैंने कहा वही है, तुम्हें कैसे पता इन सब चीजों के बारे में, देखी ऊपर तो तुम्हें कैसे पता वो वही होता है, वो मैंने देखा हुआ है एड में, यही चीजें तो बाद में याद आएंगी, फिर मेरे को गुरुजी ने कंफर्मेशन दी, अच्छा कि वही है, अच्छा तो पता क्या है गाइस, मैं मतलब देखो मैंने क्या करा, मैं उसकी पट्टी कर रहा था, मैंने चलो अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, ब्लॉग भी बना लेते हैं गुरुजी की हंसी छूट गई कि साला कंटेंट कहीं पे भी नहीं छोड़ रहा है। देखो क्या है ना गाइस, हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, हम भाई ये भी हमारा कर्म है, ठीक है, इसे भी करना है, ऐसे मूवमेंट हमें कैप्चर करने पड़ते हैं, हम गलत नहीं है गाइस ऐसे मूवमेंट हम मदद कर रहे हैं, वो बड़ी ब्लॉग बनाने से पहले हम मदद कर रहे थे, ये ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट है, कोई नहीं आता है, हम गए, हम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ओ माई गॉड वी आर प्राउड, प्राउडिंग पर्सन, अच्छा लगता है ऐसी चीजें, पता है गुरुजी को एंजाइटी हो रही होगी, होती हो रही थी, वो भी दूर हो गई होगी, अच्छा काम करके अच्छा लगता है,
चलो उसने 20 बार शुक्रिया बोला कम से कम कि मदद करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे लगा लो। पराठा खाएगी और नहीं मैं भाई थोड़ा सा करते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। वो लड़की भी वही खड़ी थी, वो सरमारी लड़की। हाथ में पकड़ा दो ये ले, बुला ना, बुला बुला बुला, ले ले बेटा ले 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 ले। आया ले क्या ये ये स्टाइल तो है भाई के पास है भाई, मस्त कर मस्त गा रहा है एकदम है। हम लोग आए हैं, ये यहाँ का कोई मॉल है, पता नहीं नाम मुझे, ठीक है, लेकिन हम मूवी देखने आए हैं। अभी मुझे पता चला था कि हनुमान जी की मूवी रिलीज हुई है, नाम है पिक्चर का हनुमान। तो आज वैसे हम जाने वाले थे, हमने अपनी जो टिकट थी वो मतलब वेस्ट जाने दी, ठीक है, वो सुबह मॉर्निंग 7:15 की थी, हमने कहा भाई मूवी साथ में देख के जाएंगे, टिकट का कोई बात नहीं, नुकसान तो हुआ लेकिन कोई बात नहीं, मूवी देखेंगे। अभी चलते हैं, ये लोग साथ में कुछ देख रहे हैं तो अंदर चल के देखते हैं और मूवी का रिव्यू बताऊंगा आप लोगों को कि कैसा लगा। चलिए गाइस लेट्स गो। हाँ भाई क्या कह रहा था तू? मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत सही बोल रहा था ब्रो। अच्छा नहीं तुझे तो बहुत बेकार लग रही थी भाई, मुंह बना बना के बोल रहे थे स्टार्टिंग में ही जज कर लेते तो ना तुम किसी चीज को। हम लोगों ने मूवी देख ली है, ठीक है, क्या हुआ भाई कहाँ भाग रहा है? लड़ाई हो गई ना हम दोनों की। नहीं कोई बात नहीं। तो मूवी कैसी लगी आपको? मेरे को बहुत अच्छी लगी यार, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। स्टार्टिंग में देखो बोरिंग थी जो सच बात है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अजीब सा ही कैरेक्टर, मेरे को लगा यार सुपर, मतलब वो सुपर मूवी टाइप की नहीं होती, मैंने ये कैसी मूवी है, नाम तो हनुमान जी का लिख रखा था। हाँ बात सही है। अब देखो कैमरा तुम पकड़ो मैं बताता हूँ थोड़ा सा, देखो मतलब मूवी में ऐसा ये समझ लो पूरी जो पावर एक बंदा अगर कोई डाल सकता ना बंदा तो नहीं, वो सिर्फ हनुमान जी ही डाले हैं, मतलब पूरी की पूरी पावर जो मूवी के अंदर थी। वैसे कुछ नहीं था मूवी में, स्टार्टिंग में बोरिंग थी, मतलब स्टोरी बच्चों वाली लग रही थी, ऐसा लग रहा था अभी टाइगर श्रॉफ आ जाएगा इसमें, तो बहुत बोरिंग लग रहा था। लेकिन जो हनुमान जी की एंट्री है ना भाई ऊपर नेक्स्ट लेवल हो गया। फिर उसके बाद अब मतलब ये है कि जो नेक्स्ट वाली आएगी ना कि कटप्पन ने बाहुबली को क्यों मारा, जो हम सेकंड वाली बाहुबली देखने गए थे वही वाला एक इसमें भी हिसाब किताब होने वाला है। मूवी मतलब ये है कि मतलब तुम्हारा पैसा वसूल है और हर बंदे को एक बार देखनी चाहिए, मतलब मेरा सजेशन ये है, मैं इतनी सारी मूवी देख चुका हूँ, मेरे हिसाब से एकदम एक नंबर मूवी थी, देखने लायक मूवी थी। तो देखो तुम लोग भी जाके, हम खाते हैं कुछ खाना। और ये मंकू भाई हैं यार, इन्हें मतलब क्या है, क्या क्या हुआ भाई, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। चलो ए वन है। तो गाइज क्या है कि मैं ये दोनों जो बंदे खड़े हैं ना, जो कुछ होता है ना लाइफ में अच्छे के लिए होता है, तू भी आ जा। नहीं इसको, इसके बर्थडे पे तो तुम्हें याद ही होगा कि जो इसके बर्थडे पे मैंने एक गिफ्ट दे दिया था, लेकिन भाई के लिए, भाई को यार मैं कुछ भी नहीं दे पाया इनके बर्थडे पे, इनको आज रात को देते हैं ना गिफ्ट। इनको यार कुछ गिफ्ट नहीं दे पाया यार, आपको भी नहीं दिया था मैंने कोई गिफ्ट, है आपके बर्थडे पे, आपके बर्थडे पे कोई कुछ गिफ्ट दिया था मैंने कि नहीं दिया था? आपने केक भी नहीं कटवाया था भाई मेरा, केक भी नहीं कटवाया था, ठीक है। ये देखो देखो तुम अगर अगर अच्छा चलो देखो तुम्हें पता है तुम दोनों के पास, तुम दोनों के बर्थडे के गिफ्ट है। क्या है? दोनों को दोनों के गिफ्ट मिल चुके हैं गाइस। अभी यूं मत बोलो मेरा गिफ्ट कहाँ है। नहीं नहीं मेरा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम ही गिफ्ट हो भाई। तुम ही आ जाओ, तुम भी आई जा रहे अरे मच्छर ये भी है ये नहीं नहीं ये ज़्यादा दूर हो गया, देखियो कि दुआ से देखियो कितने ठीक आ रहे हैं। तो गाइस हम दोनों मतलब ऐसा है, अबे आना भाई मारना मत यार, भाई बहुत मारूंगा यार, मारा दो यार। कैमरा पकड़, कैमरा पकड़, कैमरा थोड़ा आगे लेके जा, थोड़ा आगे लेके, अबे थोड़ा आगे लेके भाई, एक बार छपा है एक बार बता दो। मैं दिखाता हूँ। जब से मैंने ये लिए ना
ये मेरी इतनी प्यारी थी ना ये मेरे कि मैंने अभी तक जब से ली थी ना तब से ये पहन ही नहीं थी। मम्मी बार बार बोल रही थी पहन के तो देख कितनी अच्छी है। टैग इसने आगे काटा है, टैग आगे ये टैग यही पे मारा। कल हम पहनने भी वाले थे, मैं पहनने की कोशिश भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तुम्हारे लिए बनी थी, ठीक है, ये तुम्हारे लिए बनी थी, ठीक है। अरे बोलो गुरु जी की जो काली थी उसमें भी जॉर्डन फ्लाइट लिखा हुआ था पर गुरु जी की फिक्र नहीं थी। क्या गुरु जी की कौन सी जो काली वाली नहीं पहन के आए थे हुडी? देखो क्या है ना इंसान भाई, एक बार एक मैं सच्ची बात एक छोटी सी बात पता है, पहली बात वैम्पी भाई नहीं बड़े वैसे एक मिनट कोई गंदी बात नहीं बोल रहा आपको मैं सीरियसली, इधर इधर तो आओ आप पता दो पैसे की नहीं लग रहे हो अभी भी, और वो अगर मतलब अगर वो 200 रुपए की भी पहनेगा ना तो वो फिर भी 2000 का लगेगा, समझ रहे हो? ये बात है। नहीं वैम्पी भाई आप मेरी देखो कपड़े की ना प्राइस टैग से ना इंसान का पता नहीं चलता। देखो अब अरमान नहीं तुम मजे में तो बोल रहे हो, अब तुमने वो देखा है वो राइडर क्या नाम है उसका वो बैलेंसियागा ये सब पहनता, लेकिन एक नंबर का छपरी लगता है। देखो किसी को हेट नहीं है, लगता है तो लगता है। आप लग रहे हो छपरी, दिखाऊं ये देखो अभी आप लग रहे हो 2 रुपए। आप अभी छपरी लग रहे हो भाई, पता तुम एक बात बताओ यार ये पता दोनों ही मेरी फेवरेट होती थी गाइस। कोई नहीं भाई और दिला लेंगे यार, खाना पैक कर बेटा देख के आओ बच्चे। भाई रात वाली तो दे मंगू भाई को, एक रात वाली है। मतलब वैम्पायर मेरे को उधर से उकसा रहा है, कह रहा है कि मंकू भाई को देखते हैं एक बार तो लिप पे किस करके देगी। भाई मैं ओह शिट मैं तो भाई क्या है ना कि मैं जब कीचड़ में मुंह मार चुका हूँ, ठीक है, जब सारी चीज़ें कर चुका हूँ, गंद उठा लेता हूँ गंद खा लेता हूँ, तो मैंने सोचा कि यार इतनी अच्छी चीज़ तो चबा ही सकता हूँ मैं, बस मैंने एक बार ट्राई किया। मंकू भाई खुश हो गए थे एकदम है, फिर उसके बाद मेरे होठों में एक वाइब्रेशन सी होने लगी। मंकू भाई एक बार करते तो है, मंकू भाई आओ ना, क्या आओ ना, क्या क्या हुआ गाइस, अभी रैप बैटल होने वाली है हम चारों के बीच में, ठीक है। अपना नाम वैम्पी तूने रखा है, अपना नाम वैम्पी तू रख लेता मच्छर की मार दूंगा काला हिट और तू हो जाएगा क्या भाई मना नहीं ये हाँ ये सही है, ये थोड़ा सही है थोड़ा, लेकिन ओके ओके है थोड़ा थोड़ा। अब मनिक भाई की बारी, मनिक भाई के ऊपर मैं करूंगा, मनिक मनिक भाई के ऊपर। इनका नाम है टॉक्सिक गुरुजी तो हो जाएगी सूजी। ओ भाई साहब ये इनका नाम सही था गुरुजी। बोल तो दिया तू सुझा देगा मेरी, लेकिन तेरी किसने सुझाई आपकी कहीं मैं ही तो नहीं आया था रात को बजाई आप करके यार ब्रो आप गया देगी ये रैप बैटल है ब्रो रैप बैटल यहाँ पे आप नहीं आपके मैं फादर साहब लग रहा हूँ। कौन सा है बेल अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा गाइस भाई मंकू भाई बहुत प्यार से चलना भाई प्यार से बोलो गाइस कुछ नहीं दिख रहा कसम से हम जा रहे हैं रॉन्ग साइड जा रहे हैं मंकू भाई रॉन्ग साइड मतलब अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा तो जय माता की भाई कुछ नहीं भाई मैं तो कैमरा चालू रखूंगा क्या पता एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लॉग बन जाएगा अरे भाई और कुछ नहीं दिख रहा हाईलाइट करके तो डिम लाइट ही रहने देता हूं भाई कितना कोहरा है भाई मजाक से हटके इससे ज्यादा मंकू भाई फोन में देख के चला लो फोन में ज्यादा अच्छा दिख रहा है मेरे को सच में नहीं दिख रहा मजाक नहीं कर रहा और भाई आराम से चिल ये कौन खड़ा है ये क्या है बंदे हैं शायद भाई क्या हां बंदा है कोई बंदा रास्ता है रास्ता तो है मुझे दिख ही नहीं रहा
रोड आ गई। अबे नौटंकी मत करो, गाइस कसम से बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कोहरा। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर पे जा रहा हूँ ना मंगो। घर ही है ना, ये रास्ता कहाँ गया, घर कहना। इतनी बेकार ओवर एक्टिंग भाई, भाई कसम थॉर भाई आइस यार, मुझे नहीं पता लग रहा। हाँ ये वे मॉल के बाहर है अब हम। अच्छा भाई लेकिन इतना तो जहाँ हम हिल स्टेशन पे ऊपर गए थे वहाँ नहीं था ये इतना कुछ, तो यहाँ पे कैसे नीचे हो रहा है। बर्फ गिरने वाली है भाई, भाई पक्की बात है। वो तो मैंने कहा ही था 15 मंगो भाई, देख के गड्ढे वड्ढे होंगे, थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। चलो भाई मैं चालू ही रखता हूँ कैमरा। अरे क्या करूँ माँ की भाई, रोड तो वो है मेरे को उस साइड जाना है बहन का, कुछ दिख क्यों नहीं रहा है यार। अरे ये चलाओ पहले इंडिकेटर जा रहा हूँ। तुम रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हो? क्योंकि मैं कुछ गलती से आ गया। मंकु भाई गलती नहीं, गाड़ी मोड़ के भाई यूटर्न ले लो मंकु भाई, ये बहुत भारी पड़ सकती है हमें। मंकु भाई कोई ओवरटेक करके आ रहा होगा तो अभी। अच्छा हाँ एक चीज तो मैंने बताई नहीं तुम्हें गाइस, ये है इसके घर का गेट और ये फिंगरप्रिंट से ही खुलता है, फेस लॉक से खुलता है घर भाई। ये घर का गेट है मेन, ये तो ऐसे ये दिखावा ठीक है मेन। अच्छा तो गाइस हाँ अभी लोरी के लिए हम गाइस सिगरेट तो छोड़ दिए भाई ने, तो अभी यहाँ पे हम लोग जलाएंगे क्या लोरी जलाएंगे गाइस। ये देखो फिंगरप्रिंट लगाई बंदे ने और ये खुल गया गेट। ये आंटी जी है क्या हुआ, ठंड लग रही है सुबह सुबह जलानी है। हाँ चलो सही है सुबह जलाएंगे। हाँ सही है भाई बहुत ठंड है यार, आ जाओ बंद करना इसे भाई, उसमें डर गई थी फिर से है ना। चलो खाते हैं, बड़ी गंदी है पापा की तो नहीं चलते हैं घर ठीक है मंगू भाई, बाय 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 गुरु जी साथ में चलो। अच्छा हाई कर रहे थे क्या गाइस, पहली फर्स्ट टाइम हम लोग वंदे भारत में भी बैठने वाले हैं, देखते हैं कि वंदे भारत कैसी है। ट्रेन हमारे जस्ट पीछे से ही आ रही है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम लोग बैठ के। आ रही है भाई, बहुत टोपा नहीं लग रहा हूँ मैं लोगों को। क्यों लोगों की माँ दो लोग लग रहे हैं। जय वंदे भारत। सीन हो गया, एक दो बंदे उतर ही नहीं पाए हैं अभी ट्रेन से और ट्रेन चल गई, ऐसी होती है लापरवाही। ये तो बहुत बेकार हो गया ब्रो है भाई, ये तो गलत हो गया कि मतलब जानबूझ के उस तरह बैठे। हाँ इसीलिए मैंने मंकू भाई को चढ़ने नहीं दिया कि मैंने मंकू भाई तुम नीचे ही रहो हम चढ़ जाएंगे, कोई नहीं भाई अपने लिए पहले अलर्ट रहो, ज़्यादा तो चलने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो लेट्स गो। सीट ये वाली ले ली भाई साहब ने, अच्छा लग रहा है नज़ारा बाहर का। भाई प्यास से बिल्कुल प्यास है भाई, आ जाओ भाई, विंडो सीट मांगता है भाई, पैर बचा के भाई, भाई पैर बचा के भाई, भाई 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 प्लीज सॉरी ब्रो। कोई बात नहीं पैर में दर्द हो गया गाइस मेरे, यहाँ पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ मैं।